सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सर्वश्रेष्ठ स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव बुनासी से। इस वक्त भैया मैं ऐसी लोकेशन पे आ रखा हूँ जो कि अपने गांव पे पड़ती है सिलपोड़ी, जहाँ पे की गए जहाँ पे एप्पल फार्मिंग वगैरह नया बिजनेस स्टार्ट हो रखा है। एप्पल गार्डन नया बना हुआ है जो कि अपने नीरज भाई ने यहाँ पे बना रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। और यहाँ पे ये जो फ्रूट्स है एप्पल, ये किस तरीके से तैयार होता है और किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये गार्डन बनाया, ये फार्मिंग स्टार्ट की, इसके बारे में हम जानकारी देंगे नीरज भाई से। तो नीरज भाई बताएंगे यहाँ के बारे में। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार, मैं नीरज सिंह बिस्ट भारूगा वाटरफॉल एप्पल ऑर्चर्ड से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो हमारे पास यहाँ पर वेराइटी है, ये है गाला की स्ट्रेन है मीमा मी स्टार, इसका कोड नेम आप 16316 के उसके नाम से आता है। और अभी यहाँ पर आपको दो दिख रही हैं, इसके अलावा इस लाइन के उस तरफ वहाँ पर है मीमा मी स्टार, जिसका कोड नेम आप कह सकते हैं 2284। ये जो दोनों वेराइटी हैं, ये दोनों वेराइटी इटली की नेटिव हैं जो निस्टेलर से इम्पोर्टेड हुई हैं, और हमने यहाँ पर पास में नर्सरी है इंडोडच, वहाँ से ली हुई है। ये अच्छा, ये इटली की वेराइटी हैं। हाँ जी, जो मेन हमारा जो सीड जिस पे हमने इसको, ये ग्राफ्टेड प्लांट है जिस पर, वो है क्लोनल रूट स्टॉक बोलते हैं उसको, वो है M9। तो इसका एक इफेक्ट रहता है, ड्वार्फिंग इफेक्ट रहता है प्लांट पे, और प्लस इसका एक बेनिफिट कह सकते हैं, बेनिफिट ये है कि ये लकड़ी बनाने पे ध्यान नहीं देता। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे छोटा है, पर फ्रूटिंग इसमें पूरे में अच्छे दिख रहा ना, साइज फ्रूटिंग है। हाँ जी, साइज इसका मतलब इतना ही रह गया और साइज बढ़ता है इसका। प्लांट का साइज अभी थोड़ा बढ़ेगा, हाइट हम इसको 10 फीट के आसपास, 10 से 11 फीट में स्टॉप कर देंगे, और स्टेम की विड्थ बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत फैदर्स वगैरह और नए निकलेंगे इसमें। आपने देखा गाइज, आप सभी लोगों को नीरज भाई ने एक दो वेराइटियाँ यहाँ पे एप्पल की बताई, और बाकी आप जाकर के नीरज भाई बताएंगे जो ये इस फ्रूट्स को, इस एप्पल को लगाते हैं, वो किस प्रकार से फार्मिंग करते हैं इसकी। और बाकी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पहाड़ों में, मतलब जो नॉर्मल मतलब एप्पल फ्रूट्स होते हैं, मतलब एप्पल के ट्री होते हैं, वो कुछ अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जो ये एप्पल इन्होंने यहाँ पे फार्मिंग कर रखी है, ये कुछ अलग तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से कर रखी है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा नीरज भाई से हम जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले तो जो हमने प्लांट सब लगाए थे, ये हमारे 2022 मार्च के पहले हफ्ते में लगे थे, तो हमने लगाने मार्च के टाइम लगाए थे, पर लगाने से पहले इसकी तैयारी शुरू हो गई थी हमारी 2019 से। 2019 से हमारे काम चले, जैसे इसके लैंडस्केपिंग करवाना, और उसके बाद अलग अलग जो नर्सरीज हैं उनसे बात करना, कहाँ पर हमको सही प्राइस में मिल रहा है, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिल रहा है। और इसी के साथ में हमने आसपास के जो और ऑर्चर्ड्स हैं उनमें हमने विजिट किया, देखा किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं। फिर तब जाके, फिर उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था, तब हमारा थोड़ा काम उस वक्त हमारा था रुक गया, पर भले ही हमारा कहते इधर उधर जान रुक गया था, पर हमने जो हम घर पे बैठ के भी हमने खाली बैठे नहीं रहे, हम लोगों ने आसपास यूट्यूब वगैरह पे चेक किया, और क्या कहते हैं गूगल वगैरह पे चेक किया, कई सारे आर्टिकल पढ़े कैसे हो रही हैं चीज़ें, क्या हो रही हैं, और प्रोडक्शन वगैरह कैसा रहता है, क्या रहता है। तो उसके बाद इसमें हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा जाग गया। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ 2021 के एंड में, तो तब से हमने प्रोसेस करवा दिया था ये। तो उसके बाद मार्च से पहले फरवरी के आसपास हमारा ट्रेलिस वगैरह इंस्टॉल हुआ, क्योंकि हमारा ट्रेलिस इंस्टॉल हो चुका था फिर, और ये हमारी थी रीप्लांटेशन साइट। फिर हमारे पास सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि जो रीप्लांटेशन साइट है वहाँ पर जो कीड़े वगैरह का प्रकोप रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उससे हमने बचने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का, H2O2 का, हमने पहले जितनी भी हमारी ट्रेंचेस हमने खोदे हुए थे उन सब में हमने छिड़काव किया, स्टेरिलाइज किया उसको, फिर धूप में उसको धूप लगने दी। फिर उसके बाद जो मार्च का जो फर्स्ट वीक था, फर्स्ट ऑफ मार्च को हमारा प्लांटिंग मटेरियल हम लेके आए नर्सरी से, और हमने 3rd of March से हमने स्टार्टिंग कर दिया था प्लांटेशन करना, हमने उस साइड से प्लांटेशन स्टार्ट किया, और प्लांटेशन करते करते हमारे उसमें लगे एक हफ्ता करीब हमारा पूरा लगा, तो 10 मार्च को हमारा प्लांटेशन पूरा कंप्लीट हो चुका था। अभी इस वक्त गाइज हम लोग आ रखे हैं ऊपर वाले खेतों में, और यहाँ पे नीचे के मुकाबले मतलब कुछ
यूनिक मतलब फल यहाँ पे जो ब्लैक कलर का, इसका कलर नीचे वाले का रेड था थोड़ा सा और ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का है। तो नीरज भाई ये वाला किस वैरायटी का सेब है ये वाला? जैसे थोड़ा इसमें दिखने में भी थोड़ा अंतर लगता है। ये रेड डिलीशियस की स्ट्रेन है, मीमा मी स्टार, और इसका ओरिजिन भी इटली है और ये भी इटली से इम्पोर्टेड है। तो आप इसमें और उसमें जो मेन एक डिफरेंस होता है, जो गाला सीरीज रहती है वो थोड़ी जल्दी तैयार हो जाती है खाने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग भी थोड़ी जल्दी होती है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है थोड़ी लेट होती है। और इसके और उसके में थोड़ा बहुत अंतर ये भी है, हर एप्पल जो ट्रीज रहते हैं इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। अगर किसी अगर किसी प्लांट की चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, तो उनकी फ्रूट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस देखने को मिला है अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है। तो जो रेड डिलीशियस और जो हमारे पास गाला, दो स्टेन्स हैं, इनके हम बात करें तो जो गाला सीरीज है उसको 800 से लेके 1000 तक के जो चिलिंग आवर्स होते हैं, जो चिलिंग आवर्स होते हैं वो रहते हैं आपके 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहते हैं। और जो हमारे रेड डिलीशियस स्टेन्स हैं इनको रहते हैं मिनिमम इसको 1000 से लेके 1500 तक का इनका रहता है। जो पुरानी वेराइटीज़ थी उनका रहता है 1500 से लेके 1800 तक उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती थी। और उन दोनों को कंपैरिजन करते हुए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे गाला सीरीज के जो रहते हैं फ्रूट्स वो खाने में ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, और जो इसके होते हैं ये थोड़े च्यूवी होते हैं, और ये वो रहते हैं खट्टे मीठे, और ये रहते हैं स्वीट में उसमें रहते हैं थोड़े, और इनको आप स्टोर लंबे टाइम तक कर सकते हैं। टेस्ट में भी अलग अलग रहते हैं। गाला सीरीज को आप 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो रेड डिलीशियस की स्टेन्स रहती हैं इनको आप अप टू 8 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। हाँ जी, अगर इसको अगर हम मतलब माइनस टेम्परेचर में अगर रखें या फिर फ्रिज वगैरह में, इन चीज़ों में इनमें मतलब कुछ वो पड़ता है इनके अंदर पे? अगर आप देखिए वो तो रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उस पर भी चलते हैं, अगर आप इसको फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो लाइफ और ज़्यादा लंबी चल सकती है, मतलब आप इसे अप टू अ ईयर तक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सीढ़ी वगैरह इन्होंने लगा रखी है, तो इसका आप किस चीज़ में यूज़ करते हैं? जो सीढ़ी हमारी है इसका मेनली हम यूज़ करते हैं ऊपर जो हमारा एंटी हेलमेट है उसको बांधने के लिए और खोलने के लिए यूज़ करते हैं, और प्लस इसके साथ में हमारे कुछ प्लांट्स आपने नीचे देखे होंगे काफ़ी ऊँचे हैं, तो उनकी छटाई करने के लिए या हाँ जी कभी फल तोड़ने के लिए, ऊपर ऊंचाई में होता है तो नीचे तोड़ नहीं सकते हैं, तो पेड़ पे चढ़ भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए सीढ़ी का यूज़ करते हैं फल वगैरह तोड़ने। और यहाँ पे ना आपने इस तरीके से लगा रखे हैं, यहाँ पे इसमें आपने ये काफ़ी तारे वगैरह भी लगा रखे हैं, इनका मतलब किस चीज़ के लिए आप यूज करते हैं इन तारों को? बीच बीच में जो प्लांट्स के बीच में तारे लगा रखे हैं आपने? हाँ जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था हमारा जो पौधा है वो M9 रूटस्टॉक पर है, जिसे मूल वृंत भी बोलते हैं हिंदी में, उस पर है। और जो इसकी एक खासियत है, जैसे ये लकड़ी नहीं बनाता है और इसकी जड़ें होती हैं ऊपर, जो आपकी ऊपर की कहते हैं 4 से 9 इंच की जो मिट्टी रहती है उसी में इसकी जड़ें चलती हैं, जो गहरी जड़ें नहीं जाते हैं इसके रूट है ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं जी, नहीं जो मूसला जड़ होती है, मूसला जड़ नहीं होती है इसमें, सिर्फ ऊपर झकरा जड़ का सा जाल होता है। तो ये पौधा अपने आप खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि इसमें जैसे छोटा सा पौधा है इसके ऊपर इतना फ्रूट का लोड आ गया है तो ये इधर उधर गिर जाएगा, तो इसी से बचाने के लिए इसको ट्रेली सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया है जो प्लांट को सपोर्ट देता है। ओके, तो सपोर्ट के लिए मतलब आपने ये तैयार रखा है? हाँ जी, यहाँ पे आपने ये जो ऊपर से डाला हुआ यहाँ पे हम वो देख रहे हैं ना, पाइप देख रहे हैं आप, ये किस चीज़ की पाइप आपने जो नीचे से डाल रखी है यहाँ पे? जी, पहले तो आपने ऊपर से जो डाल रखी है इसमें जी तिरपाल, ये है मल्च, इसे बोलते हैं मल्च सीड बोलते हैं। ओके, मल्च सीड जी, मल्च सीट होती है एक मल्चिंग, पानी के वेपोराइजेशन को मतलब पानी जो उड़ता है मिट्टी से उसको रोकता है। ओके, और ये जो है जो ये पाइप है, ये पाइप के थ्रू हम इसमें पानी देते हैं जो पानी आता है टपक, ये जी ये टपक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आता है, इससे हम हर पौधे की जड़ पर एक छेद है वहाँ पर बूंद बूंद यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है ना जी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर फुट में इसमें छेद है, एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पे 1 फुट में यहाँ पर है, फिर जैसे वहाँ पे उस प्लांट की जड़ में फिर से है। तो एक फुट के मतलब उस पे जी, हाँ 1 फुट के उस पे दूरी पे सब जगह इसमें पूरे पाइप में छेद होता है, जो हम पानी देते हैं या उससे ऊपर से टैंक के द्वारा हम जो मैंने भी बताया था आपको, कहते हैं नाइट्रोजन के लिए और पोटास के लिए, फॉस्फोरस के लिए, जो हम कहते हैं जो कीट देते हैं जो उनको फिक्स करके पौधे के लिए पर्याप्त कराते हैं,
वो देते हैं या कोई भी जैसे खाद वगैरह हो गई तो वो इसी के थ्रू हम पौधों को देते हैं नीचे। और जो इसके ऊपर जो ये हमने रखा है इससे होता है, जो जैसे गर्मियों में इस बार बहुत बड़ी गर्मी है तो पानी की बहुत कमी हुई थी, तो उस पानी की जो कमी हुई थी उस कमी की पूर्ति के लिए जो पानी होता है उड़ता है, उड़ने से रोकता है और थोड़ा हमको पानी से राहत देता है जो पानी हुई थी। इस वक्त गए अभी जाकर के हम फिर से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे है अलग वैरायटी का सेब। बाकी देखने में तो आपको सेम लग रहा होगा लेकिन वैरायटियाँ अलग अलग हैं, तो इस वाली वैरायटी के बारे में बताएंगे नीरज भाई थोड़ा सा। तो ये नीरज भाई ये वाली कौन सी वैरायटी है सेब की? जैसा ये वैरायटी है डार्क बैरन गाला, ये बैरन गाला हाँ जी, ये भी गाला की एक स्ट्रेन है। डार्क बैरन गाला यूके मतलब उत्तराखंड वाला है ये। डार्क बैरन गाला की दो स्ट्रेन है, एक है इटली वाली है ग्रीवा नर्सरी है वहाँ से रिलीज हुई थी, और दूसरी है जो उत्तराखंड में ही यहाँ पर थोड़ा म्यूटेशन वगैरह करके इसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है। ओके, तो आपने कौन सा वाला मतलब जो हमारी वैरायटी है ये डार्क बैरन गाला, ये है उत्तराखंड वाली है, डार्क बैरन गाला यूके वाली है। हाँ जी, जो ये है वैरायटी, ये जो हमने नीचे आपको गाला मीवा मिस्टर दिखा और जो गाला था मीवा गाला, उन दोनों से थोड़ा अर्ली वैरायटी है। तो और प्रोडक्शन इसमें थोड़ा मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो प्रोडक्शन मीमा गाला से मेरे को थोड़ा इसमें बेटर। ठीक, और बाकी जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मतलब एक प्लांट जो है आपका ये एप्पल का ये सूख चुका है, जिसमें कि एप्पल भी अभी बड़ा नहीं हो रखा, तो ये मतलब किस तरीके से सूख गया है आपका ये पेड़? देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग अपनी जो हमारी प्रैक्टिसेस रहती हैं हम 80-90% प्रैक्टिसेस हम अपनी रखते हैं पूरी ऑर्गेनिक रखते हैं। ऑर्गेनिकली हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे शुरुआत में कीड़े को मारने के लिए हम ब्यूएरिया बेसियाना, ये एक इंसेक्टीसाइड की तौर पर आप इसको कह सकते हैं, पर ये केमिकल नहीं है, ये एक फंगस है। ये फंगस क्या करता है, कीड़े के ऊपर लगता है, वाइट से कीड़े को पूरा कवर कर लेता है और कीड़ा मर जाता है, और उस कीड़े पे जो दूसरा कीड़ा लगेगा वो भी मर जाएगा। एक उसका यूज़ करते हैं हम, और दूसरा एक जैविक कीटनाशक आता है मेटाराइजम एनासोपले, तो वो थोड़ा वो भी एक फंगस है, वो फंगस रहता है ग्रीन कलर का, तो वो भी कीड़े के ऊपर पूरा आवरण बना लेता है और फिर कीड़े को मार देता है। और जो बाकी जो है हमारे इसमें नीचे जो खाद रहती है वो पूरी गोबर की रहती है, जैसे मैं आपको इसे उठा के दिखा सकता हूँ, मल सीट है हमारी, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये, अगर आप मिट्टी थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो आपको इसमें कितना सारा गोबर मिलेगा। ये अभी ये वो दिख रहा है गोबर की खाद दिखाई दे रही है। हाँ जी, ये गोबर की खाद है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं पूरा ऑर्गेनिकली हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप देख पा रहे होंगे ये सब जो हमें गोबर की खाद यूज करते हैं, तो गोबर की खाद आपको इसमें अभी ऊपर दिख रही है थोड़ी बहुत। और बाकी जो नॉर्मल जो पौधे के जो मूलभूत जो इसके न्यूट्रिएंट होते हैं मैक्रो एनपीके, उसको हम जैविक तरीके से मेनली देते हैं। जैविक एनपीके आते हैं जो नाइट्रोजन पोटाश सोलिबलाइजिंग बैक्टीरियाज आते हैं, उनको हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू सॉइल में देकर और पत्तियों के थ्रू देकर जो हमारी एनपीके की जो पेड़ में कमी रहती है आवश्यकता रहती है उसको पूरी कराते हैं। और जो पीछे जो आप इसमें बात की, जो पीछे जो प्लांट हमारा नहीं बच पाया बेचारा, सर्वाइव नहीं कर पाया, आप देख पा रहे होंगे जैसे ऑर्गेनिक करना जैसे लगता है कि डिमांड ऑर्गेनिक की है फिलहाल, सबको ऑर्गेनिक पसंद है, सब ऑर्गेनिक बोलते हैं, पर ऑर्गेनिक की एक डार्क साइड भी बोलूं मैं इसे या कुछ भी कह सकते हैं, तो ये एक डार्क साइड है। जैसे कोई भी फार्मर है जैसे हमारे यहाँ पर है ऑर्गेनिकली हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्लांट है, ये प्लांट का देखिए आप इसकी देखिए कितना मोटा प्लांट है, और इसी के बगल में दूसरा प्लांट है ये, और भी इससे दिखने में वीक है थोड़ा, और इसका इसमें देखिए फ्रूटिंग अभी कैसी है, और ये जो है ये पूरा इसमें आई थी फ्रूटिंग पूरी आई थी, अभी सूख चुका है इसमें पूरे। अगर मे बी हम केमिकली करते तो नहीं सूखता, पर हमें हमारा एक ही जो मानना है, जैसे मेरे भैया हैं वो भी डॉक्टर प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, तो उनका और हमारा एक ही मानना है कि धरती में जहर क्यों देना है, जैसे जहर क्यों देना है, हमारे यहाँ की धरती बहुत अच्छी है, बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच है, इसमें बार बार केमिकल देके इसको ख़राब क्यों ही करना है, तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक पे करते हैं। जो बाकी हमारा 80-90% ऑर्गेनिक रहता है, जो 10% जो हमारा जो हम केमिकल कह सकते हैं उनको जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी सिर्फ फंगिसाइड यूज़ करते हैं, कीटनाशक हाँ जी फंगस के लिए, जो फंगस जो आप फफूंदी के तौर पर जानते होंगे जो फंगस है उनके लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए सिर्फ हम फंगिसाइड यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया।
इस वक्त गाइज हम देखिए थोड़ा सा हमने लोकेशन चेंज कर रखी है और यहाँ पे नीरज भाई ने नर्सरी अपनी तैयार कर रखी है। तो इस नर्सरी के बारे में नीरज भाई थोड़ा सा बताएंगे। बाकी नीरज भाई ने बताया कि भैया प्लांट्स आपको नर्सरी से अगर चाहिए तो ये वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे ये प्लांट्स आप देख पा रहे हैं, नॉर्मली रूट स्टॉक्स हैं, ये मैंने लास्ट ईयर लगाए थे। तो इस साल थोड़ा मेरे एग्जाम वगैरह चल रहे थे उस बीच में, तो मैं ग्राफ्ट नहीं कर पाया, तो प्लांट वगैरह तैयार नहीं हो पाई। तो इनको मैं इन सर्दियों में आने वाली तब ग्राफ्ट करूँगा। और जो वेराइटीज़ मैं बना रहा हूँ, जो नॉर्मली हमारे इधर बगीचा है, यहीं से हम कहते हैं कलम लेते हैं और इन पर कलम करते हैं। और अगर कोई भी साथी बंधु जो भी हैं, अगर कलम वगैरह के इच्छुक हों या पौधों के इच्छुक हो, तो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको अगर कलम वगैरह प्लांट्स वगैरह अगर चाहिए होंगे गैस, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे नीरज भाई का नंबर आपको दे दूंगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। और बाकी आप जो आपने यहाँ पे देखे, मैंने जो एप्पल है आपके, एप्पल या मतलब यहाँ से मार्केट भेजते हैं या फिर कहीं अगर कहीं से जैसे आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलते तो आप वहाँ भी भेजते हैं यहाँ से एप्पल वगैरह? हमारा जो मेन अभी जैसे हमारा नया नया स्टार्ट है, हाँ। तो मेन हमारा जो फल जा रहा है अभी, तो हमारा मार्केट में जा रहा था, तो लास्ट ईयर भी हमने एक दो ऑर्डर जो हमारे पर्सनल ऑर्डर्स थे उनको कम्प्लीट किया था। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ ये प्लांट्स ऐसे लग रहे कि मेरे को नए नए, तो ये नीरज भाई है, ये तुमने मतलब तुमने ही बना रखे हैं किस तरीके से? हाँ जी, ये मैंने लास्ट ईयर जो मैं रूट स्टॉक लेके आए थे हम, उसी में मैंने ग्राफ करके खुद तैयार किए हैं। और ये एक साल में इन्होंने लगभग मेरे बराबर ही हो चुके हैं। हाँ। तो कुछ अभी इससे कुछ छोटे भी हो रहे हैं। ओके। तो ऐसे ही है, जो नए नए प्लांट है मतलब ये? हाँ जी, ये जो प्लांट हमारे हैं, जैसे हमारी ये रो है डार्क बैरन गाला की है, हाँ। और उसी के प्लांट हमने यहाँ पे डाले हैं, 12 से 13 पौधे हैं। इनको कितना टाइम लगेगा अभी? जैसे अभी तो एक साल हुआ है इनको, तो वो डिपेंड करता है ग्रोथ पे, ग्रोथ कैसी है। थोड़ा बहुत कहते हैं मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तो ग्रोथ होना थोड़ी और बेटर हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी। तो शायद से एक साल में ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे और सुबह फ्रूटिंग में आ जाए। यहाँ पे नीरज भाई आपने मतलब ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, मतलब ये क्या चीज़ है जो ये आप देख पा रहे हैं? ये है वूली एपिस। ओके। इसको ये रुई जैसा दिखते हैं, रुईया कीट भी बोलते हैं। रुई जैसी दिख रही है यहाँ पे ना, हिंदी में से रुईया कीट बोलते हैं। जैसे ये है, इसको आप हाथ से अगर ऐसे मसल के निकालते हैं ये निकल जाएगा, और उसके बाद अगर उसको मसलें तो ये लगता है ऐसे कि होगा खून सा। ये तो बिल्कुल पदार्थ सा लग रहा है एकदम। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे लगता है ये ना जी। हाँ बिल्कुल एकदम पदार्थ सा लग रहा है, ये ब्लड टाइप का। जी जी जी, ये क्या चीज़ है? ये है उली एफिड, जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ। ये नॉर्मली इसका जो रहता है, जब ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये रहता है बरसात से पहले मिलता है, पर बरसात के बाद भी देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। ओके। तो ये इसके लिए जो सबसे अच्छा वातावरण इसको चाहिए, थोड़ा उमस वाला माहौल, जब थोड़ी हल्की सी गर्मी भी हो, थोड़ी नमी भी हो, उस टाइम पर होता है। जैसे अब इसको बात आती है ऐसे हमारे इसमें ट्रीट करने की, तो हम जैसे ऑर्गेनिकली इसको कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिकली करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। अब मैंने अभी उधर भी देखा, एकाध पौधे में मेरे को दिख रहा है, वैसे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो नीम ऑयल से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। कि मैं एक आप सब लोगों की भ्रांति तोड़ना चाहूँगा, जैसे मैं कॉलेज में गया था नैनीताल, तो वहाँ के थ्रू और कुछ मेरे जो पुराने जो बाहर के दोस्त हैं, उनका एक ही कहना होता है कि सेब के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, उनका मानना है कि हम वैक्सिंग करते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं अभी, ये है सेब नॉर्मल है, थोड़ा इधर आइए दिखाई, ये है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये मैंने हाथ लिया और इसको जस्ट मैं हल्का सा रब करूँगा। अब देखिए इस मंत्र, इसमें नेचुरल साइन होती है, हम जो है कोई अलग से वैक्स वगैरह नहीं करते हैं, कोई भी ऐसे केमिकलों का यूज़ नहीं करते हैं जिससे इंसानों के लिए कोई हानिकारक वो हो। जो ये बाहर से जो वैक्स होती है, ये खाली एक परत होती है, जो फल है, फल को कुछ कीटों से बचाती है। और यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों को हमारे पीछे से दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे पहाड़ों में होता है एप्पल, ये वाला इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एप्पल काफ़ी कम मात्रा में दिखाई दे रहा है, कोई छोटा कोई बड़ा, और इसका पेड़ देखिए इतना बड़ा साइज ले रखा। लेकिन जो नीरज भाई ने जो फार्मेसी नीचे कर रखी है एप्पल की, साइज आपको पेड़ का काफ़ी छोटा दिखाई देगा, एप्पल काफ़ी बड़े और काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे देंगे। इनमें अंतर मतलब क्यों हो जाता है ऐसा अंतर डिफरेंट नीरज भाई? अंतर तो देखिए, जो हमारे तो जो मेन अंतर है, एक तो पहले जो बगीचे थे, पहले के जो पेड़ थे,
उनको मैनेज नहीं किया गया, वक्त पर उनकी काट छांट नहीं की गई और उनका ना उनको कोई खाद पानी का देखा गया, और उसी के कारण जो अभी जो पेड़ है हमारे थोड़े बीमार हो चुके हैं पूरे। यहाँ पर देखते हैं इसकी पूरी टहनियों, हाँ जी, इसकी पूरी खाल उतर रही है, पेपर ही बात कैंकर है इसमें, और नीचे रूट रॉट है इसमें जो ऊपर निशाने दिखा रहा है इसके हिसाब से, और इसकी पत्तियाँ देखिए आप, पत्तियाँ भी इसकी स्वस्थ नहीं लग रही हैं, इनमें पत्तियाँ भी इसकी पीली पड़ी हुई हैं एकदम जी, पत्तियाँ पीली, जिसको मतलब कि हम अपनी मतलब लोकल भाषा में मतलब कोड बोलते हैं ना गाइस, तो उस टाइप का कुछ हो रही है इसकी पत्तियाँ। हाँ जी, जो और इसमें और उसमें जो अंतर की बात कहते हैं, मेन जो क्लाइमेट चेंज है उसने सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट किया है इन जो पुरानी वेराइटीज़ थी। इसमें और उसमें जो मेन एक डिफरेंस रहा है वो रहा है चिलिंग रिक्वायरमेंट्स की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी चिलिंग आवर्स की, जो पुरानी वेराइटीज़ है इनकी चिलिंग आवर्स मैंने बताई थी वो 1500 से लेके ऊपर हुआ करती, 1500 1800 2000 घंटे तक हुआ रहती थी वो, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान, और जो अभी अब वर्तमान में मिलना मुश्किल हो गया है, तो बर्फ़ भी नहीं पड़ रही है, तो उसी के कारण है जो ये पेड़ है और बीमार होते जा रहे हैं, इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो नीरज भाई, जो ये नीचे अभी हम एप्पल देख करके आए, ये एप्पल जो ट्री हैं तो इनकी मतलब जो लाइफ है ये कितने सालों तक रहता है ये एप्पल? देखिए, सामान्यतः लाइफ की बात करें तो लाइफ निर्भर करती है आप कैसे उसका रखरखाव कर रहे हैं पौधे का, उसमें आप समय पर जो उसकी जो कार्य हैं उनको कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हम अब जो हमको पढ़ने को मिलता है लिटरेचर जो हमको मिलता है उसके हिसाब से अगर देखें तो 20 से 25 साल इसकी जो एक एवरेज एज है वो मानी गई है, और उसी के विपरीत हम देखते हैं जैसे आप हिमाचल के एक हैं विद्यानंद स्टोक्स जी हैं जिनका बगीचा 45 साल से ऊपर का हो चुका है और वहाँ पर अभी भी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है, सब कुछ अच्छा है, तो लास्ट में एक ही चीज़ निकल के आती है जो इसकी लाइफ है। अभी तक एवरेज तो जैसे 20 से 25 साल है, पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जो इन पौधों की लाइफ है, लाइफ हमेशा आपके जो आप प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसे इनका रख रखाव करते हैं, टाइम पर प्रूनिंग करते हैं, टाइम पर खाद पानी देते हैं, और आवश्यकता से अधिक पेड़ की क्षमता से अधिक फल ले रहे हैं, तो उससे तो आपकी कहते हैं जो लाइफ है पेड़ की वो गिरेगी ही, नियमित तौर पर और अच्छी क्वांटिटी में, और एक कहेंगे उसको बैलेंस क्रॉप अगर आप लेते हैं तो लाइफ तो वैसे मतलब देखा जाए तो अगर ना जिस हिसाब से प्लांट का साइज है और वो फ्रूट्स वगैरह जितना उसमें लगा हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो 20 से 25 साल की एवरेज एज आप बता रहे हैं वैसे काफ़ी लगती है मतलब वो। हाँ जी, क्योंकि इतने छोटे प्लांट में इतने मतलब फ्रूट्स जो हो रहे हैं तो लाइफ मतलब बेटर है, वैसे बेटर लगती है इसकी। जी, लाइफ तो बेटर है वो, बाकी फिर अपने देखभाल के हिसाब से ठहरा जितनी आप लोग उसकी देखभाल कर सकते हैं जी, जितना उस पर दो मेन चीज़ें हैं, देखभाल और जो आप उसमें बैलेंस क्रॉप लेते हैं, तो उन दोनों का बैलेंस अगर बना के रखते हैं, उनका तालमेल बिठा के चलते हैं, तो आपके पेड़ 20 से 25 साल तो आराम से चल ही सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज वही है उतना तो चलेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। बाकी देखिए गाइस, वहाँ से अभी मैं एक फ्रूट से लेकर के आया था, नीरज भाई ने हमको दिया, और इसका अभी वैसे खा के मैंने एक देख लिया, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, तो देखते हैं अभी इसको फिलहाल टेस्ट लेते हैं इसका, तो ये फ्रूट्स का जो यहाँ पे नॉर्मली फ्रूट्स होते हैं उनके मुकाबले इसका टेस्ट कैसा है। तो ये जो एप्पल है गाइज, इसमें काफ़ी मेरे को मतलब लग रहा है कि काफ़ी मात्रा में इसके अंदर पानी भी मतलब स्टोर हो रखा है, और इसमें टेस्ट भी काफ़ी अच्छा मीठा हो रहा है फ्रूट्स। भैया, हम ऐसी लोकेशन में बैठे हुए जहाँ से पूरी जो फार्मेसी है, पूरा गार्डन यहाँ पे एप्पल का है, पूरा यहाँ से लास्ट तक का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब जाकर के बात करते हैं, यहाँ पे इतने जो आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे पे, इतना बड़ा गार्डन यहाँ पे एप्पल का, तो इसके अंदर पे कितनी वैरायटी है वो नीरज भाई से पूछते हैं। नीरज भाई, इसके अंदर आपने कितनी वैरायटी का सेब लगा रखा है? देखिए, अगर हम जो हम कॉमर्शियली वैरायटीज़ की बात करें जो हम मार्केट में बेच रहे हैं इस समय, तो हमारी 3 से 4 वैरायटी है जो कॉमर्शियली हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से गाला की 2 स्ट्रेन्स हैं और रेड डिलीशियस की 1 स्ट्रेन है, जिसमें डार्क बैरन गाला है और मीमा मीस्टर और मीमा गाला, ये हमारी 3 हैं जिनको हम कॉमर्शियली अभी मार्केट में सेल कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास 15 से 20 और अलग वैरायटीज़ हैं जो हम जगह जगह पर हमने लगाई हुई हैं, कुछ प्लांट्स में हमने कलम की हुई हैं उसके थ्रू, और कुछ पौधे हम लेके आए थे वो लगाए हैं। उन वैरायटीज़ के अगर मैं नाम बताऊँ, उनमें रेड ब्लॉक्स हो गया, रेड लव हो गया, एडम्स पर हो गया, इवासनी 2 हो गया, और
और मीमा 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 मी स्टार हो गया। चलो और अगर इसके अलावा हम जो वैरायटीज हमारे पास उपलब्ध हैं जो हम कहीं से लेकर आए प्लांट्स लेके आए हमने लगाए उन पे हमारे पास जो वैरायटीज हैं उनमें है हमारे पास कहते हैं डेविल गाला है, स्कारलेट की स्कारलेट्स पर 2 और 3 हैं, एडम्स पर है, रेड वेलॉक्स है, और इसी तरीके से कई सारी वैरायटीज़ हैं जो हमारे पास अभी हैं। तो उनको अभी हम कॉमर्शियली तो अभी हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं है, हम उनको नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना ऑर्चर्ड एक्सपेंड करते जाएंगे और जो वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। तो जैसे हर किसी उसमें फ्रूट्स में होता है ना, कोई भी उनमें होता है कि मतलब कोई ऐसा फ्रूट्स होता है जो कि मतलब टॉप लेवल में होता है, टॉप में उसका पहला मतलब नाम आता है, तो इतनी वैरायटियों में आपका मतलब जो टॉप का फ्रूट्स है, टॉप का एप्पल है, वो कौन सी वैरायटी का है? टॉप का अगर देखा जाए तो हमारे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से डार्क बैरन गाला जो हमारे अभी 3 कॉमर्शियल क्रॉप हैं जहाँ जो उनमें, अभी हाँ दिखाया था। जी, वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। और टेस्ट वाइज कहूँ तो मीमा गाला मुझे टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगा है, तो और उसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है पर टेस्ट वाइज वो ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। गाइज यहाँ पे देखिए इतना जो ऑर्चर्ड है ये एप्पल का नीरज भाई ने बना रखा है, बाकी ये भी MSC करते भैया इसी उससे, तो थोड़ा सा बताएंगे नीरज भाई इसके बारे में। मैं फॉरेस्ट्री से ग्रेजुएट हूँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल से, और उसके बाद मैं अभी वर्तमान में MSc कर रहा हूँ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। तो उसी जो मैं वहाँ पर सीख रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो वहाँ पर सीखता हूँ उसको मैं एज अ प्रैक्टिकल अपने ऑर्चर्ड में एस्टेब्लिश कर सकूँ। आपने मतलब इसलिए यहाँ पे मतलब यूज करके देखा उस चीज़ को मतलब। जी 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 यही एक वो है कि जिसके थ्रू जैसे हमारे प्रोफेसर हैं उनसे बात करने के बाद थोड़ा बहुत ऐसी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही हम जो ऑर्गेनिकली जो अपने सेब प्रोड्यूस कर रहे हैं या जैविक तरीके से जो उत्पादन कर रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से आप मतलब मान सकते हैं कि गाइस जो कि जिस चीज़ की मतलब स्टडी अभी नीरज भाई कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इस तरीके से मतलब दिखा रहे भैया उन्होंने यहाँ पे ऑर्चर्ड एप्पल का मतलब बना रखा है, तो काफ़ी और उसमें सफलता भी मतलब मिली है नीरज भाई को। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे गार्डन्स में ऑर्चर्ड पे नीचे जा कर के, मेरे को काफ़ी अच्छे फ्रूट्स इन्होंने मतलब बना रखे, काफ़ी अच्छे पेड़ बना रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मतलब उनकी देख रेख मतलब कर रहे हैं ये इस वक्त। तो ये बहुत बढ़िया लगा कि मतलब हमारे गाँव के बीच में अभी जो पहला मतलब कुछ ऐसी नई टेक्निक से जो स्टार्टिंग मतलब दे रहे हैं नीरज भाई, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप मतलब जो इस चीज़ को सीख करके प्रैक्टिकली मतलब लागू कर रहे हो उस चीज़ को अपनी उसमें लाइफ में। मैं अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर जैसे कोई भी हैं कोई भी लोग हैं कोई भी बंधु हैं अगर वो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं कैसे हम इनको उगाते हैं कैसे हमारी कल्चर प्रैक्टिसेस रहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम हो, यहाँ पर आएँ और देख सकते हैं हम किस तरीके से पूर्ण रूप से जैविक तरीके से फलों का उत्पादन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस चीज़ के बारे में जो नई टेक्निक तरीके से ये फ्रूट्स हो रहे हैं, तो कोई भी अगर भैया इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहता है तो नीरज भाई ने जैसे कि मतलब वेलकम किया उन लोगों का, भैया आप लोग आकर के नीरज भाई से सीख सकते हैं क्योंकि उसी चीज़ की स्टडी के पीछे नीरज भाई लगे हुए हैं, और उसका परिणाम आप फल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आपको ऑर्चर्ड पे जाके नीचे आपको सभी लोगों को दिखाया। तो प्लांट्स तो नीरज भाई कलम्स प्लांट्स वगैरह तो मतलब उपलब्ध करा ही रहे, और साथ ही नॉलेज भी जितना मतलब उनको नॉलेज है तो अपनी नॉलेज भी आप सभी लोगों से मतलब वो शेयर करेंगे किस तरीके से मतलब वो कर रहे हैं करके, तो आप सभी लोगों को भी एक जानकारी उसकी देंगे। तो गए जो ये एप्पल ऑर्चर्ड यहाँ पे भैया ये बना रखा है नीरज भाई ने, इसका तुमने मतलब जो नाम है क्या हमने रखा है भालूगढ़ वाटरफॉल एप्पल ऑर्चर्ड, जो जो हमारे पास में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ की कहेंगे धरोहर है भालूगढ़ वाटरफॉल, तो उसी के नाम पर हमने अपने बगीचे का नाम रखा। बहुत बढ़िया, क्योंकि नीरज भाई एक तरीके से देखिए यहाँ पे गए जो अपनी लोकल यहाँ पे भैया लोकल की एरिया लोकल की लोकेशन है उसी नाम पे मतलब रखा, कोई अलग सा नाम नहीं ढूंढा मतलब अपनी लोकल की लोकेशन के नाम से रखा आपने, बहुत बढ़िया मतलब नाम रखा हुआ है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे गए नीरज भाई के घर पे, एंड यहाँ पे जो इनकी एप्पल की इनकी पैकिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए ये है, आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा स्टीकर है भालूगढ़ वाटरफॉल एप्पल ऑर्चर्ड स्टेट नाम से, तो इसमें यहाँ पर आप इसे स्कैन करके हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टा पे, और जो भी क्वेरीज देखिए यहाँ पे, जी जो भी क्वेरीज रहती हैं आपकी वहाँ पर हमसे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो वैरायटी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने पैक की हुई है, ये है डार्क बैरन गाला, जो गाला सीरीज का एप्पल है डार्क बैरन गाला। तो ये मेनली
पहले इसमें नीचे एक लेयर लगी है, जैसे ये है पहले बॉक्स रहता है, बॉक्स ऊपर एक ट्रे आती है, ये ट्रे के ऊपर एप्पल आता है, ये जैसे एप्पल आ गया, और हर एक लेयर के बाद मतलब ये अलग से फिर उसके बाद फिर बॉक्स लगता है इसमें। हाँ जी, हर लेयर के बाद ये लगेगा और उसके बाद स्टिकर लगेगा, फिर स्टिकरिंग होगी, और फिर जैसे देख पा रहे आप ये स्टिकरिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक एक लेयर इसकी और आएगी, जो हमारी ट्रे रहती है, ट्रे की एक लेयर ऐसे ऊपर से आएगी ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी शॉक वगैरह आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। देन उसके बाद हम इसको पैक करेंगे और फिर भेज देंगे। ओके, तो इस प्रकार से होती है गाइस, आपने देखी जिस तरीके से नीरज भाई ने बताया इसकी जो पैकिंग होती है, तो हर एक लेयर के बाद इसमें एक बॉक्स लगता है ताकि जब भी ये जाए मार्केट के लिए तो इसमें कोई भी फ्रूट्स को मतलब नुकसान ना हो। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं गाइस, तो इनको पैक होने से पहले यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है। ये रहा हमारा एप्पल, ये हम इसे पेड़ से हार्वेस्ट करके लाए, उसके बाद इसको साफ करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था वही वैक्स वाली लेयर के बारे में, देखिए उस वक्त हाथ से किया था, मैं भी आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये रहा एप्पल, अभी इसको आप देख सकते हैं कैसा है, और इसके बाद मैं अब इसको हल्का सा रब करूँगा, और अब इसकी साइन देखिए काफ़ी चमक आ चुकी है अब तो। जी, यही करने के बाद, इसको करने के बाद की प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई है, इसी के बाद में इसमें स्टिकर इन और फिर बॉक्स में रख के हम लोग इसको सेव कर देते हैं।